सुबह के ठीक अभी 9:15 का टाइम हो रहा है। बढ़िया सा मौसम हो रखा है और आज काफी दिनों बाद जो है कि अपने घर में हूँ तो काफी बढ़िया लग रहा है। वैसे अपने घर में ना हर किसी को बढ़िया लगता है और आज की वीडियो की शुरुआत भी अपने घर से हो रही है। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। फिलहाल आज का मौसम देखो तो मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है। हल्की फुल्की जो है वो धूप लगी हुई है। ठीक दबला डांड वैली में जो है कि यहाँ पे हल्के फुल्के जो है बादल लगे हुए हैं और इधर देखो इधर बढ़िया सी धूप लगी हुई है। किधर? इधर देवा डांड वैली में। और सामने जो है कोहरा तो डेली की तरह लगा ही हुआ है। सारे से काफी लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। इसका साफ मतलब है कि भाई दोस्तों जो बंदरों की बारी है वो अभी भी चली रही है और लोग सारे से जो है वो बंदर हका रहे हैं। पुराने घरों के मोर सिंगारना भाई दोस्तों इतने छोटे है ना, ये देखो ये प्रसाद ना हमको देते रहते हैं। इस मोर सिंगार ने ना न जाने कितनी बार मुझे प्रसाद दे दिया है। मेरा सर आधा जाता है इस पे भटकता रहता है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकार। सब्जियों की बहार भी भाई दोस्तों धीरे धीरे करके आ रही है। यहाँ देखो घिया, देखो लौकी खूब सारी जो है लग रही है। अभी तो लौकी से स्टार्टिंग हो रही है यात्रा। मैंने भाई दोस्तों इतने दिनों से ना मेरी नींद पूरी ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो क्या हो रहा था कि मुझे ना डेली थोड़ा उके टाइप की आ रही थी, उके बोले तो उल्टे आ रही थी और नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर नींद भी आ रही थी भयंकर, बॉडी बहुत थक गई थी। बाकी अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, घर आ गया हूँ तो मैंने पूरी पहले नींद ली अभी सुबह के 9 बजे। रात को जल्दी सो गया था और अब जाके उठ रहा हूँ। फिलहाल जो मेरे लिए नाश्ते में रखा हुआ है वो है कड़क करेले की सब्जी और साथ में जो है तेल लगाई हुई 2 रोटी। अब इनको भी ज्यादातर गुड़ियों पर नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पता क्या है कि यार अब सारे में बहुत सारी चीजें हो गई है ना, तो गुड़ी बांदरों के पीछे ये जा रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये वहाँ खेलने लग जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि गुड़ी जितना नुकसान कर रहे हैं उससे ज्यादा ये लोग कर दे रहे हैं, तो इनको बांध के रखना पड़ रहा है। ट्रिप से इतनी जल्दी भाई दोस्तों मैंने घर आना नहीं था, बट कारण ये है कि मेरी नानी जी की बरसी है कल और परसों में, तो उसकी वजह से मैं घर आ गया। छोटे जो बच्चे है ना उनको तो भाई कल भेज के आ गया वहाँ ननिहाल में, तो कल मैं और माँ जाएंगे हम दोनों। बाकी फौजी भाई भी जो है कि अपना दिल्ली आ चुका है, अब वो भी बहुत जल्दी घर आ जाएगा। जिस दिन मैं यात्रा पर गया क्या था ना, उस दिन इस पेड़ से अखरोट निकाल रहे थे तो सारे अखरोट लगभग निकाल दिए हैं और ये पेड़ जो है वो पूरा खाली हो गया है। अभी मैं अपने सगोड़े में हूँ जहाँ पर हमने जो है कि परसों लहसुन बोई थी, तो अभी लहसुन भी बिल्कुल बढ़िया से छोटी छोटी आ गई है। बाकी यहाँ पर हमारी ककड़ियों के जो है वो बेल है, तो इस पर छोटी छोटी ककड़ियाँ जो है वो बहुत सारी लगी हुई हैं। माँ ने बताया था मुझे कल की बल वहाँ ककड़ी वगैरह जो है वो हो गई है, तो थोड़ा बहुत तो मैंने रात को खाई थी, जरा सा 1-2 कत्तर। बाकी यार बड़ी ककड़ी तो अच्छी होती होती है भाई दोस्तों, बट उससे अच्छी होती है छोटी ककड़ी, तो एक तोड़ के खा लेते हैं। अभी एक मैंने तोड़ ली है इतनी सी, तो इसको फटाफट से जो है खा लेते हैं। घर में मैं बता दूंगा कि मैंने तोड़ी थी, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई मेरे चक्कर में गाली खा दे। छोटी वाली बढ़िया होती है, जर्जरा सी तो होने लगी है। देखो एक यहाँ पे लगी हुई है ऊपर, देखो टुक में एक वहां लगी हुई है और एक ना इधर साइड भी लगी हुई है, यहाँ पे एक ये लगी हुई है। बाकी ऐसी छोटी छोटी पिपरी जो हैं वो भी लगी हुई हैं खूब सारी। जय श्री राम ठेकेदार जी। राम राम। राम राम जी। क्या बात है, अकेले अकेले लगे हो तुम? क्या करे यार, इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ गए मिस्त्री लोग तुम्हारे? आज और कल बोल रहे हैं। रोज रोज। तब से नहीं आए जब से मैं गया, मतलब। अरे यार हड़काओ ना फिर उनको। बिना हड़का ही आ ना, हड़का क्या होगा। फिलहाल अभी जो है कि यहाँ पर रेलिंग वगैरह का हिसाब किताब देख रहे हैं, तो यहाँ से और ठीक वहाँ तक लगेगी रेलिंग बिल्कुल बढ़िया। घर में आते ही जो है कि कामकाज बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो अभी मुझे जाना है घास के लिए। यहाँ पर देखो मैं अभी अपने घर की छत में हूँ और ठीक यहाँ नजर दौड़ाओ, ठीक यहाँ जहाँ एक कुला के पेड़ है ना, ठीक यहाँ, तो यहाँ से मुझे माँ तो साफ दिखाई दे रही है बट ना कैमरे में नहीं दिखाई दे रही, तो अभी मुझे इतनी ऊपर जाना है, बिल्कुल लास्ट ऊपर ढैया में पहुंचना है घास के लिए। क्या करें भाई दोस्तों, नजदीक का जितना भी घास है वो सारा खत्म हो चुका है, अब थोड़ा दूर दूर जाना पड़ रहा है। हाँ मठु माठू गलियो का दगड़ी तू जानी, हाँ मथी खोला सुनी तेरी पैजी छमड़ा दी, अरे मुखड़ी हाँ हाँ हाँ।
मुखड़ी दिखना कबाना घूमिए गे सरू अरे बस मानी रात पर दिल गे मेरू घगरी को घेरु है गैला घगरी को घेरु अरे बस मानी रात पर दिल गे मेरू। इस बार की जो दाल होगी ना भाई दोस्तों वो बड़ी गजब की होगी यार। फूलों को देख के ऐसा लग रहा है, देखो फूल कितने ही गजब के जो हैं अभी खेतों में उनकी बेलों पर आ रखे हैं। रास्ते जो हैं भाई घास से ही घास से भरे हो रखे हैं, तो बोड़ी यहाँ पे घास साफ करने का काम कर रही है। बड़े कांड लगे हैं बड़ो ना घास कर लो काटे लोलता था इधर हाँ वह खिलाओ। काफी दूर मुझे जाना है बट क्या करें भाई दोस्तों घास तो चाहिए ही है ना, तो ले आते हैं फटाफट से। अभी ठीक मुझे बताऊं कहाँ जाना है। ये जो अखरोट का बगीचा है ना, तो कुछ टाइम तक बंदर यहाँ भाई सब पूरा अपना घर बना रखे थे, बट अभी अखरोट निकाल दिए गए हैं तो बंदर भी निकल गए हैं। बहुत दिनों के बाद भाई दोस्तों अभी माता रानी के मंदिर में पहुंचा हूं। जय माता दी, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं घास के लिए जा ही रहा था भाई दोस्तों, बट यहां देखो भाई दोस्तों घसेरी ना जो है कि घास लेके अभी आ चुकी हैं और उन्होंने अपने अपने फंचे जो है यहां पर रखे हुए हैं और कुछ घसेरी और आ रही है ऊपर से। तू घास काट ली दी पारंगी लो पहाड़ा, तू मेरी होसिया बना हिट मेरी दगाड़ा। तू घास काट ली दी पारंगी लो पहाड़ा, तू मेरी होसिया बना हिट मेरी दगाड़ा। ओ दीपा घसारी। 10:30 का भी टाइम हो गया है, तो लोगों के जो गोर क्या हैं वो भी इधर बढ़िया से चल रहे हैं। कुछ ही देर में इनकी भी तैयारी हो जाएगी घर जाने की। डूबी जला घरे द्वारे, डूबी जला खेते, डाणा कणा बाटा सब होली बसी रेते। ना बस कोयल फिर ना फूलली फ्योली, गुगुतिला घुरा घुरा रुणी रुणी कौली। गौरी को सुला के ना भाई दोस्तों भाभी भी आ गई थी घास का फंचा लेने के लिए, तो यहाँ देखो फंचा लेके आ गए हैं। हम भी खंड बिधर जाए वो खेती पार ओ ठीक। 2-3 दिन के लिए ननिहाल जाना है ना, तो उसके लिए अभी सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ना घास वगैरह पहले ही जो है एक्स्ट्रा रख लेंगे, तब भाभी अकेली हो जाएगी और भाई रहेंगे, तो 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है कि थोड़ा ना दिक्कत ना हो भाभी को ज़्यादा, इसकी वजह से हम 2-4 फंचे जो हैं वो आज ही सार रहे हैं। अपना गांव यहां से काफ़ी दूरी पर है, यहां ठीक नीचे अपना गांव है और वहां से इतनी दूरी पर मैं हूं, और माना इस वाली जगह पर यहां ना यहां ऊपर देखो हल्की सी दिखाई दे रही होगी, इस वाली जगह पर घास काट रही है इधर साइड कहीं। पहले घास भाभी के लिए काटा, फिर उसके बाद अब मेरे लिए काट रही है और उसके बाद अपने लिए भी काटेगी, तो 3-3 फंचे जो है कि माँ घास काट रही है आज। फिलहाल अभी मैं जो हूँ कि दबलाडांड वैली के आसपास ही हूँ, इसको दबलाडांड बोलते हैं। सामने खोलकांद हो गया, फिर वहाँ देखो कंदलकोट हो गया, वो कोटा पाली की जो है वो ढैया हो गई ये वाली, फिर उसके पीछे जो है कसाणी थापल, उसके पीछे बेदिखाल, तो बहुत सारे गाँव आगे के लिए पड़ते जाते हैं। घास के साथ साथ जो है कि माँ भाई यहाँ पे ना अपने गोर भी चरा रही है, तो थुमरो भी आ रखी है, बिंदी भी आ रखी है मस्त करके चरने के लिए। उनके लिए भी काफी तगड़ा वाला घास हो रखा है, बड़ा बड़ा देखो घास के अंदर तो वो दिख भी नहीं रहे हैं। चलिए जी जो है अपने बिटगे हो गए हैं तैयार, एक मेले और एक माँ के लिए फंचा, 3 फंचे माँ ने काटे और अपने जो गोर हैं वो भी भाई दोस्तों बट्टी में आ गए हैं। अब बट्टी बट्टी इनको ले चलते हैं सीधा घर की तरफ। धर्म की तोड़ी डाले छल कतेरा, जी कपन बोला बनू भीत पतेरा। धर्म की तोड़ी डाले छल कतेरा, जी कपन बोला बनू बीत पतेना।
जिका बन बोलिया बनू जिका बन बोलिया बनू वीत पते ना। लौकी की मंडी में पहुंच गए हैं भाई दोस्तों, और मैं आपको लौकी दिखाता हूं। एक ये देखो, दूसरी ये वाली, तीसरी ये सामने ही, चौथी ये देखो, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये। भाई साहब खूब सारे लौकियां ही लौकियां हो रखी हैं यहाँ तो। गौरी नाच रे छम 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 छम, आहा क्या बात है। देखो आज गौरी का गेटअप तो देखो भाई दोस्तों, कितना गजब का लग रहा है। साथ में दो चोटियां हैं, है ना? बड़े लगनो ने गौरी, बड़े लगनो। वाह कन बाने लगनो है, तुम तो मस्त लगना छो, मस्त मस्त लगना छो लाल मस्त। शर्म आ गया। गौरी के यहाँ पे देखो, यहाँ पे मच्छर ने काट दिया ना, तो वहां पे लाल सा हो गया है। है गोरे मच्छर काट दिया है, थींच दे तो थींच। हाँ माँ भाई दोस्तों, यहाँ देखो दोनों दवाई का सेवन अभी एक ही साथ कर रही है। गोरी भी दवाई है और चाय भी भाई है, थकान दूर हो जाती है गोरी को देख के। है गोरे गोरे तो मेरा कुका है। गौरी की दिन की नींद भी भाई दोस्तों पूरी हो गई है, रवि मस्त करके जो है उठ गई है। उठ गए तुम, उठ गए, नींद खूब आई तुमको हैं? दिन में नींद खूब आई अपने छोटे भाई के। भाई दोस्तों ना, दिन के आने जाने के प्लान कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, किसी को पता नहीं लगता है। दो तीन दिन पहले दिल्ली आ गया था और देखो घर अब आ रहा है। आज का भी कन्फर्म नहीं था, वो तो दिन में मैसेज किया कि बल मैं पहुंच गया, कहा रिख निकाल, दिल्ली से भी नहीं कूड़दार से भी नहीं, सीधा मैसेज कहाँ से किया, रिखड़ी काल से, बल मैं पहुंच गया रिखड़ी काल घरे। चाचा जी आ रहे हैं अभी है? चाचा जी आ रहे हैं, है ना? तो अभी मैंने नीचे ना टैक्सी के लिए बोल दिया था, तो भाई लोग मतलब ना उसी में ऊपर आ जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे। फिलहाल शाम के जो है 4:15 का टाइम हो रहा है, और 4:15 बजे लगभग जो है नीचे गाड़ी पहुंच जाती है, बस जो कूड़दार से आती है ना, तो उसी में आ रहा था। बाकी मेरा थोड़ा बहुत सामान भी था, बट उसने बताया नहीं यार, बड़ा सामान था तो कल मैं उसको अपने साथ ला नहीं पाया, तो अब किसी और दिन मतलब मंगा लेंगे। वीरू खाल जाने वाली पार्टी भी भाई दोस्तों अभी आ गई है, और नीचे देखो भाई चाची की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है ना उल्टी से, भाई जैसे जाती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। ठेकेदार जी लाइट तो नहीं कर रही परेशान? कर रही है। कर रही है। लाइट का भी अलग ही सीन है भाई दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ कमी जाती है, बट जब जाती है तो फिर ढंग से जाती है। अभी जो है कि भाई दोस्तों टैक्सी भी आ गई है नीचे से, तो चलो फटाफट से चलते हैं रोड में और सामान वगैरह जो है वो ले आते हैं। पहले बता क्या है कि भर्ती की तैयारी मैं भी करता था ना, हम दोनों साथ ही करते थे, तो बहुत तगड़ा वाला जोर लगाते थे, और तब हम बोलते थे आपस में कि भाई मतलब जब मैं भर्ती हो चलो तब तीन म्यार बैग लेना खाना, मैं उसको बोलता था और वो मुझे बोलता था, तो उसकी वाली बात जो है वो सच हो गई है और मेरी वाली हो नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, जिसकी भी हुई बढ़िया ही है ना। रोड में जो है एक सोलर पैनल भी लग चुका है, यहाँ पे सोलर लाइट लग चुकी है बढ़िया से, तो ये भी बढ़िया हो गया है। नहीं तो यार इस साइड जो है कि ना इधर कुछ भी नहीं था और अंधेरा हुआ रहता था। चलो भाई जो है कि अभी भाई साहब हमारे जो है रेड पैड से आ गए हैं, और मस्त करके जो है यहाँ पे चश्मे पहने हुए भाई साहब, क्या बात है यार, क्या बात है, बड़े गजब के लग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रियांशु भी आ रखा है, ये मेरे बीच वाले मामा जी का लड़का है। प्रियांशु क्या हाल है? चमक बनो छ यार, कोड़दारा पानी चमक चुके थोड़ा है भी तो जान पड़ल मतलब है आण पड़ल मतलब बाड़ा जी आपके शिष्य आ गए हैं, कैसा लग रहा है यार? क्या कहना, बल्ले बल्ले है? इनको देख के तो मुझे बड़ा हर्ष होता है। इनको लग रहा है कोच एवं म्यार मामा लड़का से। अरे 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 अच्छा अच्छा ठीक। अभी मैंने कंधे में जो है कि बैग धारण कर लिया है, और एक हाथ में है कट्टा, और एक कट्टा है हमारे बड़े जी का। बड़े जी रुको जरा, हाँ मेरे बाल इन बताओ तुम कने बाणस हो? हम कोटदार बटे हैं। बुकिंग खूब मिलनी से तुम तो, हाँ वो टेंडर खूब मिलना चाहिए फिटिंग का है। वो अच्छा है, ये घर में आ जाए
माटी छपना छा मतलब बस माटा मिल वाला तू छपे नो मिल वाला आईफोन 16 आ गया है जरे नहीं खसगा एक ठका अच्छा ये आईफोन 60 ना ना नया आ रहा बना नया फोन आ रहा है तो 13 से 3 साल पुराना अच्छा नया आ रहा है आईफोन 16 आ रहा है और आणो महंगो वो से 1.5 लाख वाला बा आम्ही बोल छो कि एक आठ ठका तो मैंने सरका दिन था कान रालो अजी तो क्या बना है चला दिया हम चला जरा चाय पानी पीला कड़ा कड़ा काल पानी ना काल पैंट नहीं पीना काल पैंट फौजी के लिए मिल हम काल पैंट छोड़ यार बड़ा जी आपा दौड़ करना है बहुनी से जूता बड़े पहने तुम लोग खतरनाक वाला है फल चल दी भला चल दी माँ के संग खा जरा दी चलेगी ठीक है चलाना से वाला तुम्हें रफ गया गम गम ठीक है ठीक चलो भाई पहुंच ही गए भाई दोस्तों घर में बैग काफी भारी हो रखा है और देखो स्वागत में कौन आ रखा है सिट्टी सिट्टी और कालू जो है स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से दोनों का ना मस्त जो भी आता है घर में उसी का स्वागत करते हो चलो भाई अभी स्वागत हो चुका है बात इधर बढ़िया चाह और चौनों की स्वागत बस चलो भाई देखो गोरी अभी अपने चाचा से मिल गई है मस्त है गोरे है पसंद नहीं चाहिए भाई और बताइए प्रियांशु जी क्या हाल है आपके बस पेट दर्द है पेट दर्द क्यों हो रहा है खाना नहीं खाया तुमने हैं किले नहीं खाया बस तुम खा लेते सिसल डिम खा लेते नहीं जीवन नहीं बोल रहा जीवन नहीं बोल रहा था अच्छा अच्छा चलो अब बोलेगा जीवन यहाँ आके है ना और घर में सब ठीक है मामा जी मामी जी नाना जी ठीक है तुम्हारे सब फिट है ठीक है बोला है गोरी जो है कि भाई दोस्तों अभी जस्ट उठी है ना तो अभी उसके चाचा ने उसको पकड़ा हुआ है थोड़ी सी सहमी हुई है क्योंकि उसकी नींद ही अभी खुली है गोरे अभी पहचान रहे धीरे धीरे करके ना अब पहचान जाएगी एक आध दिन में है गोरे अरे अभी ना भाई दोस्तों हमने गोरी का अनुप्राशन नहीं किया है देखो खाने की तरफ तो ऐसे जाती है ना बिल्कुल खतरनाक ये देखो अब इसका अनुप्राशन करेंगे धीरे जरा कुछ दिन में भाई की वजह से हम रुके हुए थे भाई आ गए हैं तो अभी करेंगे है ना तुम्हारे कारण तुम्हारे तो कहा साल पहले गया मैं वो ये देखो ये देखो छक है छक हे भराता क्या बात है इस बार तो आप जींस भी बढ़िया ला रहे हो भराता कंपनी वाली ला रहे हो भराता चलो ठीक है ये चश्मा किस कंपनी का है भराता ये तो 100 रुपए वाला सौ रुपए वाला चलो बड़ा महंगा चश्मा लिया है आप बहुत महंगा कमीज भी अच्छी लग रही है भराता कमीज भी अच्छी लग रही है क्वालिटी वाली ला रखे हैं इस बार लग रहा है चार बार धोने में रंग नहीं उतरेगा अच्छा गारंटी है बोला तो दुकानदार ने अच्छा जूते तो वही लग रहे पुराने वाले भराता क्या बात हो गई इस बार जूते नए नए मिले बैग में रखे हुए हैं एडवांस में चलते हो आप भराता कल पहनेंगे ना अच्छा कल पहनोगे क्या बात है इस बार तो फेसल वेसल करा के आ रखे हो स्मार्ट लग रहे हो स्मार्ट हो भाई मुझे लग रहा है कुछ करवा रखा है ना ना कुछ नहीं है इस बार तुम टक्कर दे रहे हो ना मेरे को टक्कर में रहता हूं हे भ्राता चाय को जो है ग्रहण करो इस इलाके की सबसे अच्छी चाय जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती है चश्मा पहनी पीना के चाय ये देखो आंखों की दिक्कत हो रखी है पता नहीं क्या चियो बुखार हो रही है ना यार बुखार हो बूंदी क्या मेरे मित्र बताए चप्पर से बुखार मेरे तो भाई नहीं चाहिए ना अच्छा ये खतरनाक वाला बुखार था मेरे को अच्छा दिल्ली वाला बुखार अच्छा चलो चलो वक्त मिला यार मिलना खड़ जाओ मिली कहा ऐ देखो भाई दोस्तों कुकी आ गया मिलने के लिए देख रहे हो कितना समझदार है लेट आ गया है कल खा बोली मुड में मसरल खा दिया है ओ दादी खुजली छो है चाय भी पिया तो मले चाय भी पियाई नहीं पिया जी ओ प्या चाय तो मलाई ओ बड़े नमस्कार मिल बाले खूब सा है मिल बाल बड़ा बढ़िया चाहू
बिजारा घुबड़ा गई जा भला बना छो आई भला बढ़िया छो मिलवा ले निपुणा छो मिलवाल भला बढ़िया छो अच्छा अच्छा चले बाड़ा भला अच्छा अच्छा ओ चाय पे जाओ मिलवाल चाय पे जाओ चाय हाँ ठीक पर आ जाओ तुम मिलवाल तुम कुछ भी राम राम है हाँ घुमरा चो तुम मैं बड़ा बड़ा लतड़ा लेके मिलवाल का ले जा रही तुम्हें छतरा लतड़ा चलो भाई दोस्तों आज से मेरे साथ यहाँ भाई रहेगा नहीं तो मैं यहाँ अकेला रहता था इस वाले रूम में तो चलो बढ़िया हो गया है दगड़ो मिल गया है। और प्रियांशु क्या हाल है भाई नेट ठीक चल रहा हमारे एयरटेल है एयरटेल कम चलो देख ठीक चल रहे थोड़ा ये कमरा उब से ना कटिंग तो बढ़िया करे इंच कम कराए आज फिर कराए चलो बढ़िया चलो भाई दोस्तों यहाँ देखो बॉक्सर भाई हमारे जो हैं कि मस्त करके चाय बना के ले आए हैं वो तो मिलियो चाय है मैं वो भंडे ले रहा हूँ कहीं ले रहा हूँ मैं तुम पसंद नहीं आना चाहिए तो यार बेटा चाय पीना है चाय वो